आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 29वां अध्याय वचन 12 से 40। फिर सातवें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हों और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1-1 बछड़े के पीछे एपा का 3/10 अंश और 2 मेढ़ों में से 1-1 मेढ़े के पीछे एपा का 2/10 अंश और 14 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर पांचवें दिन 9 बछड़े 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर छठवें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर सातवें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर आठवें दिन तुम्हारी 1 महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, वह 1 बछड़े और 1 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो। बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इसराइलियों को सुनाई।